ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए 18 नवंबर को राजधानी रायपुर में होगी लॉटरी की प्रक्रिया। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया है। भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी लेने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का कॉमन रिव्यू मिशन छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीदी की प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए 18 नवंबर को लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस संबंध में पंचायत संचालनालय की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में लॉटरी निकाली जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के निर्धारण के साथ ही इन वर्गों तथा अनारक्षित महिलाओं के स्थानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकालने की ये कार्यवाही होगी। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दिया है। पहले यह राशि 10,000 रूपये थी। एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवाकाल में मृत्यु होने के बाद अब उनके परिवार को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बढ़ी हुई राशि बीते 1 जनवरी से दिए होगी। इस आशय का आदेश महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी लेने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का कॉमन रिव्यू मिशन कल से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। मिशन प्रतिनिधियों के साथ रायपुर में हुई एक बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। इस बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रतिनिधिमंडल को योजनाओं के क्रियान्वयन में नवाचारों, उपलब्धियों और मैदानी स्तर पर आ रही कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया। कॉमन रिव्यू मिशन के प्रतिनिधि रायपुर, कोरबा और बस्तर जिलों में ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी हकीकत से भी रूबरू होंगे। कॉमन रिव्यू मिशन के राजकुमार दत्ता, डॉ सुखविंदर सिंह जोहल और डॉ रुवीना नुसरत 11 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा के कार्यों और चावल वितरण योजना में अनियमितता की शिकायतों के जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास पर जन चौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कोरबा जिले के कोलिहा मुड़ा ग्राम पंचायत के मुढ़ाली गांव के ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में अनियमितता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को इन मामलों की जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरबा जिले के ही करतला तहसील स्थित नवापारा, चौनपुर और बोतली गांव में आदिवासी किसानों की जमीन को कूट रचना कर दूसरे के नाम पर करने के मामले की भी जांच के निर्देश दिए हैं। जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्वतारोही याशी जैन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप स्वेच्छा अनुदान से 1,00,000 रूपये की राशि मंजूर की। रायगढ़ निवासी याशी छत्तीसगढ़ की एकमात्र पर्वतारोही है जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। धमतरी जिले में हाल ही में हुए कई माओवादी वारदातों को देखते हुए 7 थानों में अलर्ट जारी किया गया है। जिले के दुगली, मगरलोड, नगरी, सिहावा, मेचका, खल्लारी और बोराई थाने में सुरक्षा के मद्देनजर विशेष एहतियात बरती जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर ने बताया कि माओवादी घटनाओं को देखते हुए इन 7 थानों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसानों के मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में 13 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के आंदोलन की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में बैठक हुई। कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आंदोलन के संबंध में पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन में छत्तीसगढ़ से हजारों किसानों के शामिल होने की संभावना है। नई दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग से जाने वाले काफिले में बड़ी संख्या में गाड़ियां भी शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में शामिल होने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी नई दिल्ली जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए
दवा खरीदी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए आपूर्तिकर्ता कंपनियों से जल्द रेट कॉन्ट्रैक्ट करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC की बैठक ली। इसमें उन्होंने दवा खरीदी की वर्तमान प्रक्रियाओं की कमियों को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अति आवश्यक दवाइयों की सूची में शामिल 259 दवाइयों को अस्पतालों से मांग पत्र का इंतजार न कर जरूरत के आधार पर खरीदी करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता की नई पदस्थापना सूची जारी की है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर विष्णु दत्ता को रायपुर स्थित चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भेजा गया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर आरके सिंह को अंबिकापुर में पदस्थ किया गया है। वहीं डॉक्टर रेणुका गाहिने को राजनांदगांव स्थित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज की प्रभारी अधिष्ठाता का प्रभार सौंपा गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जगदलपुर में राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 9 राज्यों के हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बस्तर संवाददाता। ट्राइब संस्था जगदलपुर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 9 राज्यों के 55 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में हस्तशिल्प कला, हैंडलूम, टेराकोटा, ज्वेलरी निर्माण के अलावा कोसा से धागा बनाने तथा काटन से धागा तैयार कर कपड़ा बनाने के अलावा हाथकरघा में बुनाई तथा 5 कला का जीवन प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के उत्पादों का प्रदर्शन, विक्रय एवं प्रोत्साहन हेतु यह मेला लगाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जगदलपुर से मैं संतोष वर्मा। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव का कल अंतिम दिन था। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों की एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियों ने देर रात तक समा बांधे रखा। इनमें एक ओर जहां कलाकारों ने मांदरी, कमार, ककसाड़ और गेंडी नृत्य के जरिए राज्य की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखलाई, वहीं दूसरी ओर कवि सम्मेलन के माध्यम से कई जीवंत मुद्दों को उठाया गया। माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में बंद स्कूलों को दोबारा शुरू करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और बीजापुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद दीपक बैज शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षा दूतों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 4वीं कड़ी का प्रसारण 10 नवंबर रविवार को होगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से किया जाएगा। यह रेडियो वार्ता सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। लोकवाणी में इस बार का विषय नगरीय विकास का नया दौर रखा गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि समाज हित में कार्य करने के लिए संवेदनशील लोग ही आगे आते हैं। ये बात राज्यपाल ने रायपुर में कल दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर सुश्री उइके ने नक्सल प्रभावित जिलों में महिलाओं की स्थिति विषय पर प्रतिवेदन का विमोचन किया। राज्यपाल ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट जन कल्याणकारी नीतियां बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि वे इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और राज्य सरकार के समक्ष रखेंगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सुकमा जिले के दौरे पर जाएंगे। वे वहां 168 करोड़ रुपए की लागत के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक भक्त चरणदास कल से राज्य के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे 10 नवंबर तक सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, जांजगीर और कोरबा में ब्लॉक और जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2019 के लिए छत्तीसगढ़ की सीनियर टीम का चयन कर लिया गया है। इस टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया होंगे। और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में 83 पदों पर भर्ती के लिए 18 नवंबर को लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और साक्षात्कार होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए 18 नवंबर को राजधानी रायपुर में होगी लॉटरी की प्रक्रिया। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दिया है। भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी लेने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का कॉमन रिव्यू मिशन छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीदी की प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।